नमस्कार साथियों, मैं संतरा आसावरा अध्यापिका राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बावड़ी से हूँ। मैं अध्यापिका के साथ साथ यानी शिक्षण कार्य के साथ साथ में मेरी एक और रुचि है संगीत के क्षेत्र में। गायन कला में हिंदी, मारवाड़ी गीत, भजन, देशभक्ति गीत इनकी गायिका हूँ और मैं इस क्षेत्र में लगभग 10-15 सालों से लगातार अपनी प्रस्तुति देती आई हूँ। YouTube पर भी मेरे सॉन्ग चल रहे हैं, कभी जरूरत पड़े तो जरूर सुनिएगा। आज मैं जनसंपर्क मंच के इस फेसबुक लाइव में प्रोग्राम में लाइव आई हूँ और मुझे यह सुनहरा मौका मिला है श्री देवेंद्र जी एथियक्टॉन, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी सक्सेना, साहित्य मंच डोडा सिंह के संरक्षक डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, श्री शिवराज जी कुर्मी एवं अजय प्रेम जी फाउंडेशन टोडा की टीम के श्री दिलीप जी सर, पुष्पा जी मैडम और जितेंद्र जी सर का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे आज इस मंच पे अपनी प्रस्तुति देने का सुअवसर मिला है। आज मैं आप लोगों के सामने मेरी दो प्रस्तुतियां पेश करूंगी। सबसे पहली होगी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। तो मेरी पहली रचना है बेटी की एक पीड़ा। यह जो छोटी सी रचना है बेटी के ऊपर, यह लिखी है एक झुंझुनू जिले में निजी स्कूल के अध्यापक हैं श्री मनोज जी भूरिया। उन्होंने मुझे एक शानदार रचना लिखी दी है कि मैडम कभी मौका मिले तो मेरी इस रचना को आप जरूर लाइएगा। तो आज मुझे मौका मिला है सर, मैं आपका ये लिखा हुआ सॉन्ग आप लोगों के सामने पेश कर रही हूं। तो बेटी के ऊपर मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी कि कुल का ही ना है मेरे बेटा, कुल का ही ना है घर बेटा, तो बेटी सच्चे मोती है घर का चिराग है प्रोग्राम सुर के संग जन सरकार मंच टॉप पर। ओहो अरे बाबुल बेटी ने मत मार, हे बाबुल बेटी ने मत मार, बेटी आंगन Thank you.
Thank you.
साथ ही मेरी एक अगली रचनाएं हैं राजस्थान के टोंक जिले में एक तहसील है टोड़ा सिंह, वो मेरी तहसील है, मेरी नगरी है, उसका एक स्वागत गीत है, ऐतिहासिक नगरी है। उस टोड़ा सिंह के ऊपर एक छोटी सी रचना वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कोई कमी हो तो कृपया माफ करें। Thank you.
Thank you.
धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना। सभी को जय राजस्थान।